बना रहे हैं। हाँ सर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने आई लेवल कहाँ पे माना था, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ठीक है। हमने आई लेवल एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर माना था, हालांकि आई सबसे ऊपर थोड़ा थोड़ा नीचे होता है ना आई, हाँ सर। तो अब उसके हिसाब से फिर आंसर अलग आना चाहिए हाँ ना? सर, तो फिर तो हाँ अब जैसा क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है 2 मीटर इसकी लेंथ, हाइट 2 मीटर, और आई लेवल है 1.8 मीटर। आई लेवल कितना है? 1.8 मीटर। तो हमें सेम क्वेश्चन है, हमें बताना है मिनिमम साइज ऑफ लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड एंड पोजीशन क्या होता है। फाइंड मिनिमम साइज ऑफ मिरर एंड पोजीशन, ट्राई करो। हाँ सर 1 मीटर होगा क्या? हाँ, लेंथ तो 1 मीटर होगा, पोजीशन पोजीशन मतलब एक पार्ट तो 0.9 अबव द ग्राउंड होगा एक्चुअली। हाँ, हाँ तो वाई इक्वल 0.9 से लेकर 1.9 तक। हाँ सही, बस इतना ही बोलना है, 0.9 मीटर अबाउट द हाँ ठीक है ग्राउंड। सर। इसके लिए क्या करेंगे, देखो ट्रिक बताता हूँ इसकी, सिंपल सी। सेम साइज की इमेज बना दो, तो ये इमेज बनेगी सेम डिस्टेंस पर बनेगी, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। अब इसमें आई लेवल सबसे पहले आई फिक्स कर दो, आई लेवल है 1.8 मीटर, मतलब यहां से 0.2 मीटर नीचे होगा, मतलब ये हाइट कितनी है, ये 1.8 मीटर, ठीक है, ये आई लेवल। मतलब साथ हमें वो पोर्शन ऑफ इमेज दिखेगा जहां से रेस टकरा के आई से आएगी, उन रेस से हमें इमेज दिखेगी जो रेस इस मिरर से टकरा के आई में आ रही है, और कहीं आ रही है वहां से इमेज नहीं दिखेगी। आई में जब तक रेस नहीं आएगी तब तक इमेज नहीं दिखेगी, ठीक है। इमेज बनती तो है बट दिखेगी कब, जब वो आई में आएगी, समझ में आया। So, क्या करो, फिर क्या बताइए, मैंने सबसे नीचे वाले और सबसे ऊपर वाले पॉइंट से आई पर इमेज रे बेस हो गई, तो यहां से ये रे बेस थी, एक रे बेस, ठीक है। अब इस पॉइंट पर एक रे मिरर इससे ऑब्जेक्ट से बना, मतलब रे ऐसी आई होगी और ऐसी गई होगी, तभी तो पीछे जाके यहां मिली है, तो इसकी इमेज बनी आई, समझ में आया। और एक रे टॉप से ऐसे आई होगी,
यहां से इसके नोट से और ऐसे टकरा के ऐसे गई होगी। हमें टेयर भी देखना है और सर भी देखना है, तो स्पेन से आने वाली रे तो ऐसे टकरा के आएगी चलेगी, सर से आने वाली रे इसके से आएगी टकरा के चलेगी। समझ में आया क्या? जब पीछे ट्रेस करोगे तो यहाँ ये इमेज बनी। तो मुझे बताओ कौन कौन सा मिरर काम का है? क्या ये नीचे वाला मिरर काम का है? नहीं सर। क्या ये ऊपर वाला एक छोटा सा मिरर ही काम का है? नहीं सर। नहीं सर, सिर्फ ये वाला मिरर काम का है, ये वाला, मतलब यहां से यहां तक। इसको मान लेते ये एक्स, ये एक्स लेंथ हमें बताना है, ठीक है। अब इसके लिए भी वही सिमिलर ट्रायंगल वाला मेथड लगाएंगे। सो सिमिलर ट्रायंगल वाला मेथड, ये दो ट्रायंगल तो ये बन जाएंगे और दो ट्रायंगल ये बन जाएंगे। अब देखो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये टोटल 1.8 है, तो ये 0.9 होगा, तीनों साइड इक्वल होगी ना, तो ये कितना होगा 0.9, ये भी कितना होगा 0.9। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर, मैं पूरा लिख के बताऊं कि क्यों होगा इक्वल। ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है ना, क्योंकि सारी साइड्स भी इक्वल है, तो ये 0.9, ये 0.9। अब इधर भी देखो दो ट्रायंगल है, ये छोटे छोटे, इसकी टोटल हाइट है 0.2, तो ये 0.1 होगा और ये 0.1 होगा। हाँ सर। तो हाँ, ये कितना, ये 0.1 और ये 0.1, ठीक है। तो x कितना है, x है 0.9 प्लस 0.1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.9 प्लस 0.1, मतलब 1 मीटर। तो देखो अभी मिरर की हाइट तो 1 मीटर हाफ ही चाहिए h बाय 2। इस केस में भी हाइट ऑफ मिरर तो कितना चाहिए, हाइट ऑफ मेन डिवाइड बाय 2, h बाय 2 चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ सर। उसमें कोई चेंज नहीं, उसका आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हो। ओनली क्या चेंज हुआ, पोजीशन। तो मतलब पोजीशन कितना है, पोजीशन कितना है, ये देखो यहां से आता ये काम का मिरर, तो ये नीचे से ये वाला मिरर आप हटा भी देते हो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, और एक ऊपर वाला भी हटा भी देते हो ये वाला, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ग्राउंड से कितना ऊपर है, 0.9 मीटर अबव फ्रॉम ग्राउंड। तो मेरे ख्याल से अगर मैं अगला क्वेश्चन देता हूं तो बिना रे डायग्राम भी तुम आंसर बना बता सकते हो, अगर तुम्हें फीलिंग आई होगी बता सकते हो क्या विदाउट रे डायग्राम? सर इसका मतलब कि जो हाइट ऑफ मिरर रहेगा वो हमेशा जो ऑब्जेक्ट का हाइट रहेगा उसका हाफ रहेगा। हाफ रहेगा, और कितना ऊपर रखना है वो डिपेंड करता है आई लेवल पे। किस पे डिपेंड करता है? जैसे एक क्वेश्चन ओरल आंसर देना है, एक क्वेश्चन ओरली आंसर देना है, 3 मीटर का मैंने, हालांकि ऐसा तो होता नहीं, ठीक है, और आई लेवल में 3 मीटर तो टोटल है, तो मिरर की साइज तो पता लगी गई होगी, और आई लेवल है 2.4 मीटर पर। तो दोनों आंसर बता दो एक ही सेकंड में, एक सेकंड में आंसर बताओ दोनों। तो 1.5 मीटर का मिरर होगा और 1.2 मीटर की हाइट चाहिए होगी। अब आओ नया समझ में आया? हाँ सर। 1.5 मीटर तो क्या होगा, मिरर की साइज चाहिए और 1.2 मीटर ऊपर चाहिए, वो कैसे निकालते हैं, आई लेवल से। तो ये प्रैक्टिस मैंने इसलिए कराई कि रे बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, बट आंसर तो बताऊंगी, ये सब ये भी आ सकता है एग्जाम में, इतनी देर रे डायग्राम बनाएंगे इतनी देर में तो 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए। अभी अभी बना लो रे डायग्राम, तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगा, फिर आंसर देखो डायरेक्ट आएगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। डायग्राम बनाओ, फिर एक और क्वेश्चन देखो।
हाँ सर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, तुमने कर भी लिया होगा, रैंकिंग का रेट आएगा। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ये मिरर ये एक मेन ऑब्जेक्ट समझ लो ए, और ये बी, ठीक है। इसकी हाइट है 2 मीटर, इसकी हाइट है 1 मीटर, ये यहां से यहां तक ये भी 1 मीटर है और ये डिस्टेंस 1 मीटर है। और हमें बताना है फाइंड साइज एंड पोजीशन ऑफ मिरर सच दैट बी कैन सी द इमेज ऑफ ए। क्या बताना है कि ए की इमेज बी, अब देखो जब भी आई लेवल में गिवन हो ना तो टॉप मोस्ट को आई लेवल समझते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या समझते हैं, आई लेवल। तो अभी बताना है कि ए की इमेज को बी पूरा देखे, पूरी इमेज दिखे इसको, तो इस मिरर को कितना ऊपर नीचे मतलब पोजिशन रखे ग्राउंड से, कितना ऊपर कितना नीचे और कितनी हाइट का मिनिमम ये होना चाहिए बताओ। सर ये जो बीच की लाइन है उसका लेंथ कितना है? 1 मीटर, 1 मीटर। सर तो इसका भी आएगा तो वो ये ना कि 1/2 मीटर का मिरर होना चाहिए 1 मीटर अबव द ग्राउंड। नहीं इसकी खुद की इमेज को ना देखनी है। क्या सर? इसकी खुद की इमेज, इसकी देखनी है, तो इसकी इमेज बनाओ और फिर आई पर लेके जाओ, समझ में आया? हाँ सर। मैं ट्राई करता हूँ, ये क्वेश्चन अलग है। देखो ट्रिक्स मैंने क्या बताई है, जिसकी भी इमेज देखनी है वो बना दो। किसकी देखनी? अब सब इधर देखो, किसकी इमेज देखनी? ए की। तो ए की इमेज यहां से कितनी दूर बनेगी? 1 मीटर का। तो ये ए की इमेज बनेगी और हाइट भी कितनी होगी इसकी? 1 मीटर। ये इमेज ऑफ ए। ये बी को देखनी है तो यहां से जो रेज जा रही है वो सब बी की आईज में जानी चाहिए। तो सबसे पहला काम कर दिया, स्टेप वन इमेज बना दी। अब इसके टॉप से बॉटम से 2 रे निकालो और उसकी आई तक लेके जाओ, ठीक है? तो इसकी आई तक लेके जाते हैं। एक तो ये आ गई, देखिए इसका मतलब क्या है, ये वाली जो जो बॉटम से ये वाली जो आ रही है ये यहां से आई है ना, और यहां से टकरा के ये रे डायग्राम बनाना आ गया तुम्हें? ये ऐसे चली गई, ये रे डायग्राम बनाना आ गया जैसे मैं बना रहा हूं? हाँ सर। एक टॉप से जो रे आ रही जा रही आईज में वो इसके टॉप से ही तो आई होगी,
और ऐसे चलेगी। जब इनको पीछे ट्रेस करेंगे तो यहां मिलेगी, अभी ये इमेज बनी। तो मुझे बताओ ये सारी रेस इसमें से होते हुए जा रही है आईज में, तो कौन सा काम का मिरर है? ये वाला, यहां से लेके इसके बीच तक का मिरर ही काम का है। हाँ सर। लेकिन ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो मुझे ये एक तो ये हाइट निकालनी, कितना ऊपर, तो ये एक्स निकालना है ना। एक तो ये एक्स निकालना है, तो एक्स तो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। देखो मैं कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल ढूंढो। देखो ये वाला एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल यहाँ से जो शुरू हो रहा है, ये पूरा ये भी 1 मीटर भी बनेगी ना इमेज। ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बड़ा वाला, ये वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर हुए ना। देखो तीनों एंगल्स इक्वल है तीन दोनों ट्राइंगल के। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, x by 2 इस साइड का रेशियो x by 2 इज इक्वल टू 1/3। तो x आ गया 2/3। समझ में आया? हाँ सर। x by 2 is equal to 1/3, तो x आ गया 2/3। तो पोजीशन तो मिल गई, मिरर की पोजीशन होनी चाहिए 2/3 meter above from ground, 2/3 meter above from ground। इसके ऊपर नीचे रखेंगे तो कोई फायदा नहीं। अब लेंथ बतानी कि कितनी लेंथ का मिरर होना चाहिए। तो ये मिल गया। अब देखो यहां से अगर मैं ये हाइट निकालू तो ये पूरी 2 है, ये पूरी 2 है। इसमें से मैं ये हाइट कर दू, ये निकालू और ये माइनस कर दू, तो ये हाइट है ये। हाँ सर। तो इसको मान लेते हैं वाई। तो वाई कैसे निकालेंगे? यहाँ पे भी दो ट्राइंगल देखो सिलेंडर, एक तो ये बड़ा वाला यहां से लेके ये। समझ में आया क्या? एक तो ये बड़ा वाला। हाँ सर। ठीक है, और एक ये छोटा वाला। तो क्या लिखेंगे? y अपॉन ये कितना है? ये देखो ये 1 मीटर है, तो ये भी 1 मीटर हुआ। हाँ सर। ये वाले का ये वाला माना, तो क्या लिखूंगा मैं इन दोनों ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल y अपॉन 1, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली साइड कितनी है, ये 2 है अपॉन ये पूरी कितनी है 3, 2/3। तो y भी आया 2/3। तो साइज ऑफ मिरर कितना आएगा? साइज ऑफ मिरर आएगा टोटल कितनी है, ये पूरा 2 है, 2 में से x माइनस कर दो y माइनस कर दो, तो 2 माइनस 2/3 माइनस 2/3, तो एलसीएम कितना आएगा 3, 6 माइनस 4, तो 2/3 आंसर आएगा। मतलब ये तीनों 2/3 2/3 2/3। तो मिरर की साइज में कितनी चाहिए? 2/3 चाहिए, 2/3 meter अगर पूरी इमेज देखनी है। समझ में आ गया? हाँ सर। बना लो डायग्राम।
राजीव हाँ सर हाँ सर अब लिखो एंगल ऑफ डेविएशन सो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना हाँ सर मेरे ख्याल से जो तुम्हें डाउट आए होंगे इस तरह के क्वेश्चन में आया होगा तब तक एक बार फिर से ट्राई करना क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था ऐसे क्वेश्चन हाँ ठीक है एंगल ऑफ डेविएशन लिखो डेल्टा सिंपल होता है इसका जैसे मान लो प्लेन मिरर है ये रे इधर से आई अगर मिरर नहीं होता तो सीधे सीधे जाती अगर मिरर नहीं होता तो सीधे सीधे जाती तो मिरर ने इसको इधर डेविएट कर दिया तो कितने एंगल से डेविएट किया ये हमें बताना है तो ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा ना हाँ सर तो कितने एंगल से डेविएट किया ये वाला एंगल ये रे ऐसे जा रही थी सीधे जा रही थी अब उधर जाने लग गई ऐसे जाने लग गई तो इतना एंगल डेविएशन हो समझ में आया हाँ सर तो ये एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा तो बताओ डेल्टा क्या 180 डिग्री माइनस 2i होगा Due to single mirror, angle of deviation क्या होगा? पूरा angle कितना है? ये सीधे जा रही तो angle कितना होगा? 180 उसमें से 2i minus हुआ, तो angle of deviation कितना आया? 180 minus 2i. आ गया समझ में? सर फिर वो मानो तो 180 minus 2i करके angle of deviation बता सकते हैं. सर हाँ सर वो जो डेल्टा रहेगा उसमें आपने 180 माइनस 2i किया तो फिर वो वाला एंगल भी कंसीडर होगा ना कौन सा जो 2i और डेल्टा के बीच में अच्छा मैंने पूरा नहीं बताया हाँ वो होगा वो गलती से मैंने मिस कर दिया ये वाला एंगल है ना पूरा सभी में सब तुम चुप कैसे हो ठीक है समझ में आया हाँ सर हटा दो हाँ सर अब जैसे वैसे तो मैं दो मिरर का करते हैं मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक बट एक बार पूरा रे डायग्राम बना के देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन जैसे मान लो ये दो मिरर है इनके बीच का एंगल गिवन जैसे मान लो इस केस में 60 डिग्री ठीक है अब देखो एक रे आ रही यहां से ये मान लो आई 30 डिग्री कितने डिग्री पर आई 30 पर तो रिफ्लेक्ट होकर 30 पर ही आएगी तो इस मिरर ने कितना एंगल ऑफ डेविएशन किया इसको मैंने बोला डेल्टा वन तो डेल्टा वन कितना होगा 180 माइनस 2 इंटू 30 एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 60 तो 30 तो कितना हुआ 120 डिग्री जो इसने घुमा दिया है ना ये रे जो सीधी जा रही थी अब मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट होकर उधर जा रही है समझ में आया क्या हाँ सर अब देखो अगर ये वाला मिरर नहीं होता तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन 120 होता सीधी सीधी जाती बट अब ये वाला मिरर इसको और घुमाएगा तो कितना और घुमाएगा ये भी डेविएट करेगा सो इसके लिए हम निकालेंगे ये 30 तो ये एंगल कितना होगा 60 ये 60 ये 60 तो ये एंगल कितना होगा 60 समझ में आया तो यहां पर नॉर्मल बनाओ
तो ये एंगल कितना होगा 30। इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से 30 आया, तो ये 30 पर ही रेक हुए देखो ऐसे। तो ये डेल्टा टू इस ये वाला ये सीधे जाएगी ना ऐसे, तो ये वाला एंगल इसको बोलूंगा मैं डेल्टा टू, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ मिरर टू। तो डेल्टा टू कितना होगा अगेन 180 माइनस 2 इनटू 30 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मतलब 120 प्लस 120 240 डिग्री। कितना एंगल डेविएट हुआ है टोटल डेविएशन कितना होगा 120 इसने घुमाया 120 इसने घुमाया तो टोटल 240 हो गई। क्यों? क्योंकि देखो ये आ इधर गई थी और जा इधर गई तो कितना हो गया, इसकी इनिशियल डायरेक्शन ये थी यहां से लेके यहां तक, ये एंगल आया 240 डिग्री। ये 180 से ज्यादा दिख रहा है ना पूरा? हाँ ठीक है सर। अब ऑप्शन में पूछते हैं 240 क्लॉकवाइज 240 एंटी क्लॉकवाइज 120 क्लॉकवाइज, ऐसे आंसर होता है ऑप्शन में। तो 240 अगर ऑप्शन में ढूंढना है तो क्लॉकवाइज लगाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये रे ऐसे जा रही थी ऐसे घूम गई पूरी इधर, तो क्लॉकवाइज माना ऐसे घूमना, ये ऐसे घूमी है तो आंसर इसका यहां पे लगेगा वहां, इसको बोलेंगे 240 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज वाला आंसर चूज करना है तो कौन सा चूज करेंगे? ये अगर 240 डिग्री ऐसे तो 120 हो जाएगा ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में 120 डिग्री ऐसे में होनी है, ये 240 डिग्री का और वन दो दो एंगल निकाल सकते हैं ना, ये वाला भी एंगल है इसके बीच का और ये वाला भी एंगल, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, और 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या बात समझ में आई ये वाला मिशन? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर वो ट्रायंगल के जो बाकी दो एंगल 60 डिग्री कैसे आए? ये देखो ये 30 ये 30, अब ये जो नॉर्मल होता है ये परपेंडिकुलर होता है ना। अच्छा हाँ सर समझ गया, दूसरा साइड वाला बता। हाँ सर तो ये 60 ये 60 ये पहले से। हाँ सर समझा, ये 60 है तो ये भी 60। हाँ सर सर एक मिनट। हाँ सर, सर वो एक और डाउट है सर, वो जो दूसरे साइड पे 30 डिग्री का इंसिडेंस बना वो कैसे हुआ? वो सेम तो डाउट है, नॉर्मल के साथ एंगल टोटल 90 होता है, तो एक एंगल 60 तो दूसरा क्या होगा? अच्छा सर ठीक है सर। नया समझ में आ रहा है आपको?
हाँ सर, हाँ सर। अब देखो मान लो क्वेश्चन में ये एंगल नहीं दिया होगा, सॉरी ये ओनली ये एंगल दिया होगा, एंगल बिटवीन मिरर गिवन एंड थीटा, जनरलाइज फॉर्म बताओ, और आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं गिवन, और आपसे पूछा बताओ टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन बताओ, ओनली दो मिरर उनके बीच का एंगल दिया है थीटा, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं गिवन, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है, और ये रहा ये दस, और हमसे पूछा कि कितना एंगल ऑफ डेविएशन हुआ ये बताना है, समझ में आया क्या? तो अब ये डेल्टा वन निकालेंगे, डेल्टा टू निकालेंगे और ऐड कर देंगे, तो डेल्टा वन डेल्टा टू निकालने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो पता होना चाहिए ना, तो हम मान लेते आई हमें गिवन नहीं है, हमने मान लिया आई, हमें सिर्फ थीटा गिवन है, थीटा कैन बी 60 डिग्री 120 डिग्री 240 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये एंगल हमने मान लिया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने माना है, गिवन नहीं है, ये आई मान लिया, तो ये भी आई होगा, एंगल ऑफ इंफ्लेक्शन क्या है, तो एंगल ऑफ इंफ्लेक्शन डेल्टा वन कितना होगा, 180 माइनस 2i, डेल्टा वन कितना होगा 180 माइनस 2i, अब देखो ये टोटल एंगल, ये नॉर्मल के साथ इसका एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस है, अब मुझे यहाँ का भी एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, तभी डेल्टा टू निकलेगा, जैसे डेल्टा वन निकला वैसे डेल्टा टू निकालना है, तो मुझे ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, तो ये भी एक्स होगा, तो डेल्टा टू क्या होगा 180 माइनस 2x, अब x कितना है मुझे निकालना है, ये मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया x, तो ये भी x होगा, तो डेल्टा 2 होगा 180 माइनस 2x, समझ में आया, अब ये x कितना है वो मैं इस ट्रायंगल से निकालता हूं क्योंकि मुझे ये एंगल पता है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होगा, इस ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होगा, 180, मान लेते हैं ये एंगल है y, ये एंगल कितना है y, तो टोटल एंगल के रिमूव में 30 थीटा प्लस y प्लस ये वाला एंगल है 90 माइनस i इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से y की वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90, 90 प्लस i माइनस थीटा, ये y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी 90 इधर गया तो 90 बचा, i माइनस के इधर गया तो प्लस हो गया और थीटा इधर गया तो माइनस, ये y की वैल्यू है, अब y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू निकल जाएगी क्या, हाँ सर, क्योंकि हमें पता x plus y is equal to 90, तो x is equal to होगा 90 minus y, ये जो normal होता है, ये 90 degree बनाता है, तो x plus y 90 है, तो x होगा 90 minus y, तो y के लिए put कर दो x आ जाएगा, तो 90 y के लिए put करो minus 90 minus i plus theta, 90 से 90 cancel, तो x is equal to आ गया theta minus i, x is equal to कितना आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, तो डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, डेल्टा 2 हो जाएगा 180 minus 2 times of theta minus i, तो ये हो जाएगा 180 minus 2 theta plus 2i, ये हो गया डेल्टा 2, समझ में आया, अब मैं टोटल डेविएशन बताया तो वो होगा डेल्टा 1 by mirror 1 plus angle of deviation by mirror 2, तो मिरर वन कितना 180 माइनस 2i डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू कितना 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2i, तो 180 प्लस 180 360 माइनस 2i से प्लस 2i कैंसिल तो बचा 360 माइनस 2 थीटा, और ये आंसर कैसा आया, क्लॉकवाइज आया है एंटी क्लॉकवाइज आया है, ऐसे क्लॉकवाइज सर, तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना आएगा, एंटी क्लॉकवाइज कितना आएगा, टू थीटा,
टू थीटा है, टोटल एंगल दोनों, अगर ये 360 माइनस 2 थीटा है तो वाला एंगल 2 थीटा होगा, तभी तो टोटल 360 होगा, या फिर आंसर आएगा 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो रे कितने भी एंगल पर आए, जब आंसर में एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करने से एंगल ऑफ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्या दो मिरर का? नहीं सर। देखो यहाँ पे आई आ रहा है क्या? मैंने आई माना था एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो तो आई नहीं रहा फाइनल फॉर्म में, आ रहा है क्या? तो आप 30 पे गिराओ, 50 पे गिराओ, आंसर ये आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने थीटा कितना था, पिछले क्वेश्चन में 60 डिग्री था ना एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन टू मिरर, तो यहाँ पे 60 करो, 360 माइनस 2 थीटा मतलब 120, 240 आएगा क्लॉकवाइज, और 2 थीटा 2 into 60 120 डिग्री आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब वहां पे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री दिया था, उसको कुछ भी लो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी लो, आंसर यही आएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 360 माइनस 2 थीटा होगा या आंसर, या फिर 2 थीटा होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जरूरी नहीं ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो आंसर क्लॉकवाइज नहीं आएगा, वो हमें खुद से सोच के बताना है कि क्लॉकवाइज आएगा एंटी क्लॉक। अगर रे बड़ा वाला एंगल अगर ऐसे क्लॉकवाइज में जाता है तो क्लॉकवाइज आएगा, हो सकता है रे ऐसे घूम जाए, अभी बताऊंगा मैं एग्जांपल। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज से देख के बताना है, बट फॉर्मूला क्या है, 360 माइनस 2 थीटा या फिर 2 थीटा, दोनों आंसर। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सोच के लगाना है, ठीक है? हां सर। तो फॉर्मूला याद रखना है, चाहे कैलकुलेशन मत लिखो, फॉर्मूला याद रखना। बता दूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो क्वेश्चन करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन इस बार बड़ा वाला एंगल क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा? सर 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 100 डिग्री नहीं, गलत है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, गलत है। देखो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो डायग्राम में बताओ, डायग्राम में रेड थोड़ी लगी, ये रे आई यहां से पूरी चली गई है ना। अब दो एंगल, ये पहले ऐसे आ रही थी और ऐसे चली गई, तो एक तो ये वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल होगा, इसका डबल छोटा वाला होता है 2 थीटा, तो आंसर एक तो आया 100 डिग्री क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है राइट? हां सर। एंटी क्लॉकवाइज क्यों आ रहा है?
एंटीक्लॉकवाइज का ऐसे होता है, ये होता है एंटीक्लॉकवाइज का डेटिंग, तो रे ऐसे तो ना जा रही है, बट एंटीक्लॉकवाइज मेजर करना है तो ये वाला आंसर है। क्या आंसर आएगा तो 260 माइनस 2 थीटा, तो आएगा 260 डिग्री एंटीक्लॉकवाइज। समझ में आया? हाँ सर। सो अब गलत नहीं होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस से फर्क नहीं पड़ता है, दो या मतलब बताओ इसका आंसर। सर वो 35 लिखा हुआ है एंगल, क्या वो जो एंगल बिटवीन मिरर है वो 35 दिया हुआ है ना? हाँ 35। अच्छा हो गया सर 290 क्लॉकवाइज। चलते चलो, देखो अब कंफ्यूजन हटाना है तो रे डायग्राम बना दो, क्योंकि इस वाली क्वेश्चन में रे डायग्राम में टाइम नहीं लगेगा, तो ये रे डायग्राम बनाओ, यहाँ से ये ऐसा है और यहाँ से ऐसा है, नहीं ऐसे यहाँ से ऐसे है, ठीक है। तो एक तो छोटा वाला एंगल तो ये है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है छोटा वाला एंगल, तो आंसर क्या आएगा 35 × 2 70 डिग्री क्लॉकवाइज। अरे यहाँ उल्टा लिखा था क्या, यहाँ पे उल्टा लिखा था तुमने, बोला नहीं, ये गलत है ना, ये तो एंटी क्लॉकवाइज होता है ना? हाँ सर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा और ये 260 डिग्री ये क्लॉकवाइज आएगा। हाँ सर। ये डाउट था क्या इसमें, बोला ही नहीं किसी ने, इसमें बोलो। अब ये 70 डिग्री ऐसे घूमा, ये रेस आई और ऐसे चली गई, तो 70 डिग्री क्लॉकवाइज, और जो बड़ा वाला एंगल होगा वो तो ये ऐसे उल्टा घूम रहा है, तो 360 में से 70 क्या था 290 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक देखो, रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर
देखो सर, जैसे मान लो एक मिरर, ठीक है, ये इस पॉइंट के अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं, तो अभी घूमने से पहले देखो, अगर कोई रे, कोई रे इस पे ऐसे सीधी है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधी चली जाएगी ना, उधर ही चली जाएगी सीधी। हाँ सर। सर वीडियो पॉज हो गया। वीडियो पॉज हुआ है क्या? नहीं सर, ठीक चल रहा है। देखो ये मिरर है, ठीक है, ये रे इस पे नॉर्मली आई तो नॉर्मली चली जाएगी। अभी मिरर मान लो ऐसे घूम रहा है और मान लो आपने मिरर को थीटा डिग्री से घुमा दिया, कितने से घुमा दिया? थीटा डिग्री से। तो रे अभी मिरर यहां है, तो अगर आपने मिरर को थीटा डिग्री से घुमाया तो इसका नॉर्मल भी कितने एंगल से घूमेगा? थीटा डिग्री से। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर, समझ पाए क्या आप? जैसे ये हाँ मिरर है, ये इसका नॉर्मल है, आपने मिरर को थीटा से घुमाया तो नॉर्मल भी थीटा से घूमेगा। हाँ सर। तो जो नॉर्मल पहले ये था अब वो नॉर्मल ऐसा हो गया, बट रे तो कंटिन्यूअसली वैसी आ रही, रे तो कंटिन्यूअसली, तो अब जो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो था वो अब कितना हो गया? थीटा। वो कितना हो गया? थीटा। थीटा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा हो जाएगा। हाँ, तो मिरर को घुमाने से रे कितने एंगल, मिरर को आपने थीटा घुमाया तो रे कितने एंगल से घूमी? 2 थीटा। 2 थीटा। कैसे? देखो मिरर को तो आपने थीटा से घुमाया, ये मिरर और ये इसका नॉर्मल, तो आपने इसको थीटा से घुमाया, ये इतना है, बट रे, रे तो 2 थीटा से घूमी, जो रे मैंने इधर जाई थी। जो रे मैंने इधर जा रही थी वो अब इधर गई, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ? 2 थीटा। सो लिखो, इफ अ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, लिखो, इफ अ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, इफ अ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, reflected ray is rotated by angle 2 theta. Reflected ray is rotated by angle 2 theta. लिख लो। हाँ सर। इंसिडेंट रे आ रही है कंटिन्यूअसली, हमसे पूछा कि बाय व्हाट एंगल मिरर शुड बी रोटेटेड,
so that reflected ray becomes horizontal. You shall go by what angle? By what angle reflected mirror should be rotated? By what angle mirror should be rotated so that reflected ray becomes horizontal? Reflected ray horizontal direction में चली जाए. हाँ सर. हाँ सर. सर 60 डिग्री किस डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज चलो. देखो अभी रे अगर आप इसको ना घुमाओ तो रे ऐसे चली जाएगी. तो इसको हॉरिजॉन्टल करना मतलब अगर मान लो इधर भेजना है तो इस रिफ्लेक्टेड रे को कितने से घुमाना पड़ेगा? 60 डिग्री से. रिफ्लेक्टेड रे कितने से और घूम जाए इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि हॉरिजॉन्टल हो जाए, बताओ कितने से? 30 डिग्री क्लॉकवाइज. नहीं अभी देखो मिरर अभी इस पोजीशन में रे इधर जा रही है. आपने 90 बोला है 30 से. अगर मिरर को मैं 30 डिग्री ऐसे घुमा दूं तो रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री से घूम जाएगी? 60 से. तो अगर मैं मिरर को क्लॉकवाइज घुमाऊं तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमेगी. 30 से घुमाऊंगा तो 60 से घूम जाएगी. तो एक आंसर तो यह है मिरर को आप घुमा दो 30 डिग्री क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ चली जाएगी. बट मान लो ये ऑप्शन में नहीं है तो एक और आंसर इसका सही है, बताओ क्या है? 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. यस. अगर मैं मिरर को ऐसे घुमाऊं तो रिफ्लेक्टेड रे इधर घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज भी तो घूम सकती रिफ्लेक्टेड रे. तो ये वाला एंगल कितना है? इस रिफ्लेक्टेड रे को कितने से घुमा दूं कि उस तरफ चली जाए? 90 + 30 120 डिग्री. तो रिफ्लेक्टेड रे को 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो मिरर को 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा. इस मिरर को आप 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो रिफ्लेक्टेड रे 120 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घूम के हॉरिजॉन्टल हो जाएगी. तो एक और आंसर है 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये भी सही है. समझ में आया? सर नहीं समझा. देखो इस रे को हम किधर भी घुमा सकते हैं, इधर भी घुमा सकते हैं, इधर भी घुमा सकते हैं. इधर वाला समझ में आ गया? नहीं सर. इधर वाला भी नहीं आया? नहीं सर. अभी मैंने पढ़ाया था ना कि मिरर को थीटा से घुमाओ तो रिफ्लेक्टेड रे 2θ से घूमती. हाँ सर. तो अगर मैं 30 से मिरर को 30 से घुमाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगी? 60 से. और क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्लॉकवाइज घूमेगी. तो मिरर को मैंने 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमेगी ना, कितना? 60. तो 60 घूमेगी तो इधर ही तो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी. हाँ सर. समझ में आया? हाँ सर.
एक और आंसर क्या हो सकता है, अगर मैं मिरर को 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगी? डबल घूमेगी ना उसका, 60 का डबल 120। अब मिरर को आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 120 क्लॉकवाइज घूम जाएगी, मिरर को 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 120 एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। तो मुझे अगर इस रे को इधर घुमाना है तो मिरर को कैसे घुमाना पड़ेगा, इधर ही घुमाना पड़ेगा ना एंटी क्लॉकवाइज। तो एक और आंसर आएगा 60 क्लॉकवाइज। देख लो दो। हाँ सर। हाँ सर। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। जैसे ये मिला है, और इधर ये सेंटर है, सर्कुलर स्क्रीन लगी हुई, सर्कुलर स्क्रीन लगी हुई, ठीक है। सर्कुलर स्क्रीन के सेंटर पर ये मिरर का सेंटर है ना। अब यहां से ले आ रही ये ले आ रही, ऐसे इस स्क्रीन पे जाएगी तो इस स्क्रीन पे लाइट आएगी, अगर लाइट स्पॉट बनेगा लाइट का ना, जैसे टॉर्च का होता है। तो अगर मैं इस मिरर को ओमेगा की, ओमेगा पता ना एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं तो यहां पर ये स्पॉट ऐसे चल रहा होगा, इसमें यहां से ले आएगी मिरर ऐसे घूम रहा है तो ये स्पॉट भी इधर से शिफ्ट हो रहा हो क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो रही है, और ये नहीं हो रही है। हाँ सर। तो मुझे बताना है कि इस स्पॉट की स्पीड कितनी है, जो स्पॉट है वो लाइट का, ये कितनी स्पीड से इसमें चल रहा है बताओ। सर्कुलर मोशन का इसमें कंसेप्ट लगेगा, ये रेडियस है आर, इसकी रेडियस है आर, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस है आर। देखो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है डी थीटा बाय डी, पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये ओमेगा से घूम रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे ओमेगा, इसका ओमेगा है 5 रेडियन पर सेकंड। सर वी की वैल्यू 2 ओमेगा आर होगी क्या? यस सही है।
जैसे ओमेगा है 5 रेडियन पर सेकंड, अगर ये ओमेगा 5 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, मतलब 1 सेकंड में 5 रेडियन के एंगल से घूम रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे 1 सेकंड में कितने एंगल से घूमेगी? 10 रेडियन से। हाँ सर, समझ में आया? डबल से घूमेगी ना, क्योंकि जितनी देर में थीटा घूमेगा उतनी देर में 2 थीटा घूमेगी। अभी बताया था ना मैंने, मिरर अगर 1 सेकंड में थीटा घूमेगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे 1 सेकंड में 2 थीटा घूमेगी। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा होगी। ये तो मिरर की है, रिफ्लेक्टेड रे की 2 ओमेगा होगी। समझ में आया? और हमें पता हाँ है फॉर्मूला p is equal to होता है r into omega, ये फॉर्मूला होता है ना, ये p कितना होगा, रेडियस है r into omega, p कितने से घूम रही है, 2 omega से, तो आंसर आएगा 2 r omega। समझ में आया? सर्कुलर सर्कुलर क्या होगा आपने, ठीक है? लिख लिया सर, एक मिनट। हाँ सर, हो गया। अब लिखो वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, टॉपिक लिखो वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। अब देखो इस टॉपिक में एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट काम में आएगा जो वेक्टर से सॉल्व होगा, है ना? सो वेक्टर आना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी जैसे आपने पढ़ा होगा वी ए बी, ये होता है वी ए माइनस बी बी, होता है कि नहीं होता? हाँ सर। तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसका मीनिंग क्या होता है? वी ए बी का मीनिंग है कि बी के रिस्पेक्ट से ए कितनी तेज चल रहा है, बी बी ए का मतलब है ए के रिस्पेक्ट में बी कितने से तेज चल रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए, ये ए ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये बी ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मैंने पूछा बी ए बी बताओ, बी ए बी का मतलब क्या है? पहले बी बी ए बताओ, बी 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 ए का मतलब क्या है कि ए के रिस्पेक्ट में बी कितने से तेज चल रहा है। तो अगर ए ए को देखने ए पर बैठकर आप देखोगे तो बी आपको 10 से दिखने का या कम से दिखने का? सर तो 5 मीटर पर सेकंड से देखिए, ए भी उसी डायरेक्शन चल रहा है, बी भी चल रहा है, तो ए के लिए बी कितने से चल रहा होगा? 5 मीटर पर सेकंड, है ना? बी बी ए ये बताओ, बी बी माइनस बी ए मतलब, सॉरी बी बी तो बता, बी ए बी ये बताओ, बी ए माइनस बी बी मतलब 5 माइनस 10 मतलब -5 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट जा रहा है। क्यों अपोजिट जा रहा है बी के रिस्पेक्ट में? क्योंकि मान लो मैं मेरे पीछे कोई चल रहा है, मैं उससे तेज चल रहा हूं, तो मुझे पीछे वाला उधर जाते हुए दिखेगा। ये बी को ए आगे आते हुए दिख रहा है या पीछे जाते हुए दिख रहा है? पीछे आते हुए, पीछे, क्योंकि बीच का गैप पड़ रहा है ना, क्योंकि आगे वाला तेज चल रहा है। समझ में आया? ऐसे निकाल। हां सर। और मान लो मान लीजिए इधर आया, अब बताओ इस केस में तो बी ए
15 होगा। दोनों x2 से जितना 8 हो जाएगा, पता है ना इसका कांसेप्ट? हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे अब इग्नेट टॉपिक वेलोसिटी इन प्लेन मिरर है ना, फर्स्ट केस है कि व्हेन मिरर इज एट रेस्ट, व्हेन मिरर इज एट रेस्ट तो ये मिरर, ये तो रेस्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। मान लो ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूर है तो इमेज भी 10 मीटर दूरी बनेगी। हाँ सर। है ना, मान लो ऑब्जेक्ट 10 मीटर से 8 मीटर पे आ रहा है 1 सेकंड में, तो इमेज भी 10 मीटर से 8 मीटर पर आ जाएगी 1 सेकंड में। हाँ सर। इमेज सोचेगी कि नहीं अभी थोड़ा टाइम में आऊंगी, उसी टाइम आती ना। इसका मतलब क्या, अगर ये 1 सेकंड में 2 मीटर ऑब्जेक्ट चला तो इमेज भी 1 सेकंड में 2 मीटर ही चलेगी। समझ में आया? हां सर। हां सर। ऑब्जेक्ट मान लो इधर आया, तो इमेज इधर आई अपोजिट डायरेक्शन, तो अब हमेशा अपोजिट ही आएगी ना, ये राइट में जा रहा है लेफ्ट में आएगी, तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, वेलोसिटी इमेज इज माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट बोल सकता हूं। हां सर। हां सर। माइनस, ये 2 मीटर पर सेकंड से राइट में आएगी तो इसको बोलेंगे 2i के, इसको बोलेंगे माइनस 2i के, ये लेफ्ट में जाएगी। आई गेट जेके के लिए पता है ना सबको? हां सर। हां सर। हां सर। अच्छा नेहा, तुमने इसके अलावा भी लेक्चर ज्वाइन कर रखी है क्या? मेरा बी फेज वाला ज्वाइन कर दियो क्या? हेलो सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैंने पूछा 11th के लेक्चर्स तुम मेरे अटेंड करती हो क्या? अभी तक किए क्या? नहीं सर, नहीं। ओके, तो 12th के? 12th के कर रही हूँ। कौन से चैप्टर के? 12th में अभी फिजिक्स वाले सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, वो कैपेसिटेंस और वो सब, तो वो अटेंड कर रही हूं। हां तो वो तुम तीनों अटेंड कर रहे हो तो वो तीनों करो। अच्छा मैंने लास्ट क्लास में सबको इन दोनों को भी समझाया था, चलो क्लास के बाद में समझाता हूँ फिर से, वो एक दो बातें कर लेंगे ताकि आगे का समझ में आएगा कैसे चलना है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, मान लो उल्टा होता, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, ये अलग केस है, ऑब्जेक्ट मान लो दूर जा रहा है बी ओ से, तो इमेज भी दूर जाएगी बी आई से, तो इस केस में भी ये राइट में जा रहा है तो लेफ्ट जाएगा, इस केस में भी होगा तो भी वेलोसिटी इमेज इज इक्वल टू होगा माइनस साइन ऑफ वेलो, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। केस टू लिखो, वेयर मिरर इज मूविंग, वेयर मिरर इज मूविंग, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज बी एन,
अब इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कुछ नहीं गिवन होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। मतलब मिरर भी मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मिरर इधर मूव कर रहा है, तो इस बार क्या दोनों की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल होगी क्या? हाँ सर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू थोड़ा इक्वल होगी। नहीं सर, हाँ इक्वल नहीं होगी। मान लो मिरर मिरर 2 मीटर पर सेकंड से दूर जा रहा है और मैं 5 से मिरर, मान लो ये मिरर है सर, तो सर तो यहाँ पर इमेज की वेलोसिटी बेसिकली जो ऑब्जेक्ट और मिरर की नेट वेलोसिटी है उसका नेगेटिव होगा ना? नहीं, इनको मैं बताता हूँ, ये ऑब्जेक्ट मेरी 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि इमेज 5 मीटर पर सेकंड से इधर आ रही है। हाँ सर। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, मिरर एज पे कौन है? मुझे बताओ मिरर के रिस्पेक्ट में ये हमें क्या पता है कि ये डिस्टेंस जो होती है ऑब्जेक्ट और इमेज की और ऑब्जेक्ट की, ये u इक्वल टू v, ये हमेशा सही है, ये हमेशा ट्रू है, है कि नहीं है? हाँ सर। अब मुझे ये बताओ, अगर ये डिस्टेंस इक्वल है, मुझे बताओ ऑब्जेक्ट मिरर के पास कितनी स्पीड से आ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। 5 से नहीं, 3 से आ रहा है। 3 से आ रहा है। हाँ, मिरर भी तो चल रहा है ठीक से। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। ये 5 से आ रहा है, ये मिरर 2 से आगे जा रहा था, अभी बताया था ना मैंने, पूछा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो 5 माइनस 2 करोगे तो 3 से आ रहा है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो इनके बीच की डिस्टेंस 3 से कम हो रही है। हाँ सर, तो 3 से कम होने इसका आंसर आएगा 1। अब देखो इधर भी 3 से कम होगी, इधर भी 3 से कम होगी, ये 2 से इधर आ रहा है, ये 1 से इधर आ रहा है, तो मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज कितने से आ रही है? 3 से। हाँ सर, समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या है, इक्वल क्या करना है इस केस में, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल होगी, मिरर के रिस्पेक्ट में ये 3 से आ रहा है तो इमेज भी मिरर के रिस्पेक्ट में 3 से आएगी। मतलब क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगा क्योंकि मिरर के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस सेम रहेगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस सेम ही रहेगी, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मिरर से इमेज की डिस्टेंस इक्वल होगी, तो वो मेजर कहां से कर रहे हैं? मिरर से क्यों कर रहे हैं? तो मिरर के रिस्पेक्ट में जिस रेट से डिस्टेंस चेंज हो रही है वो रेट सेम रही है, तो ये मिरर के रिस्पेक्ट में 3 से आ रहा है, तो ये भी इमेज की मिरर के रिस्पेक्ट में 3 से आएगी, 3 से कब आएगी? जब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 1 से आ जाएगी, तो 2 + 1 3 हो जाएगा ना, इधर 5 - 2 3, तो इधर 2 + 1 3। समझ में आया? हां सर। फिर भी हाँ सर, मैं चाहता हूँ कि तुम इतना भी माइंड लगाना पड़े, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, देखो क्या इसका फॉर्मूला बनाते हैं, कि डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो आंसर आएगा, ठीक है? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वी आई एन को क्या लिख सकता हूँ, इसके बाद यहाँ से लिख रहा हूँ वी आई माइनस वी एन, ये लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वी ओ माइनस वी एन, ठीक है? ओपन कर लो ब्रैकेट, वी आई माइनस वी एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट प्लस वी एन, मुझे वी आई निकालना है, क्या निकालना है? वी आई, तो ये क्या हो जाएगा, v
VI is equal to हो जाएगा two VM इधर जाएगा two times of VM minus V0 ये हो जाएगा ये formula है two times of VM minus V0 ये formula सारे equations हो रहे हैं two times of VM minus V0 अब इसे plus minus देख के कौन करना है VM right की तरफ साइन कन्वेंशन क्या होगा पता है ना वेक्टर में साइन कन्वेंशन क्या होता है हाँ सर राइट की तरफ पॉजिटिव होता है और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव तो अगर कोई चीज लेफ्ट जा रही है तो आपको माइनस पुट करना है राइट जा रही है तो प्लस पुट करना है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू होगा माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये कंसेप्ट इससे ही फॉर्मूला लगा के ये फॉर्मूला हाँ सर अब देखो ये जो फॉर्मूले मैंने बताया ना या तो आप ये लगा के भी वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा या फिर डायरेक्ट ये लगा लो ये दोनों फॉर्मूले हर जगह वैलिड नहीं होते ये दोनों कब वैलिड है अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के इमेज मिरर के परपेंडिकुलर हो वहां पर वैलिड है परपेंडिकुलर ये ना देखो मिरर के अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है पैरेलल टू मिरर तो फिर ये फॉर्मूले लगने वाले होंगे समझ में आया हाँ सर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो मिरर के पास आ रहा है क्या ऑब्जेक्ट नहीं सर नहीं सर तो इमेज भी पास में नहीं आएगी हाँ ये लगे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज भी ऊपर जाएगी उसका बाद में करेंगे अभी ऑब्जेक्ट के पास अगर इमेज आती है तब या फिर दूर जाती है या ऑब्जेक्ट सॉरी मिरर के पास अगर ऑब्जेक्ट आता है दूर जाता है वहां पर ये फॉर्मूले वैलिड है समझ में आया तो ये लिख लेंगे ये जो दोनों फॉर्मूले हैं दिस इज वैलिड फॉर परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर टू मिरर परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट हो जो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी समझ में आया हाँ सर हाँ सर हाँ सर मान लो ऑब्जेक्ट आ रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से मिरर इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से इमेज P
अब आंसर प्लस में आता है तो राइट में जाएंगे, आंसर लेफ्ट में आता है तो माइनस माइनस में आता है तो लेफ्ट में जाएंगे। सर तो 16 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, देख वेलोसिटी इफेक्टिव ग्राउंड टू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, इमेज फ्रीज हो गई है। दिख रहा है? सब ब्लर है थोड़ा। वर्किंग? हाँ सर। तो टू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या लिखूं, प्लस थ्री या माइनस थ्री? माइनस थ्री। माइनस थ्री क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है। ऑब्जेक्ट कितने से जा रहा है, प्लस टेन या माइनस टेन? प्लस टेन। प्लस प्लस टेन तो आंसर क्या आया, माइनस सिक्स माइनस टेन माइनस 16 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 16 मीटर पर सेकंड लेफ्ट की तरफ इधर जा रही होगी। कितने से? 16। ये है ना आंसर। एक और कर लो ये वाला। ये कौन सा टाइम लगाओगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वरना रिलेटिव मोशन की कंसेप्ट लगा के भी विदाउट फॉर्मूला पता नहीं हो, रिलेटिव मोशन की कंसेप्ट लगा लो तो भी आंसर आ जाएगा। इसका बताओ सर, 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। वी आई इज इक्वल टू क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ वी एन माइनस वी नो, वी एन भी प्लस है तो टू इंटू टेन माइनस वी ओ भी प्लस है तो फाइव, तो कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड मतलब राइट प्लस में आया। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर 1 मीटर पर सेकंड ही होगा अपवर्ड्स। समझ में आया सबको? हाँ सर। अगर मेरा रुका भी होता तो? अभी भी सेम ही होगा। तो भी मेरा चले क्या ना चले पर पैरेलल कंपोनेंट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे मेरा रुका हुआ भी तो इमेज ऑब्जेक्ट अगर वन से ऊपर जा रहा है तो उसके साथ साथ रहने के लिए
क्योंकि सिर्फ ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होती है, इमेज ऑब्जेक्ट इमेज जो होती है प्लेन मिरर के जस्ट अपोजिट बनती है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इमेज भी ऊपर जाएगी, कीपिंग द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम रखनी, तो ऑब्जेक्ट वन से जाएगा तो इमेज भी वन से जाएगी, अब चाहे मिरर ऊपर नीचे हो रहा हो, ऑब्जेक्ट की लोकेशन अगर ऊपर नीचे शिफ्ट होती है तो इमेज की लोकेशन भी ऊपर नीचे शिफ्ट होगी सेम स्पीड से, समझ में आया? तो क्या आंसर आएगा इसका? हां सर, 1 मीटर पर सेकंड। तो ये लिखने के बाद एक लाइन में लिख लो स्टार मार्क करके, लिख लिया? हाँ सर। देखो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, पैरेलल टू मिरर डज नॉट चेंज, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर डज नॉट चेंज, component of velocity is parallel to mirror does not change. समझ में आया? अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट और मिरर चल रहे हैं इमेज नहीं चल रही, ऐसा हो सकता है क्या? क्या सर एक बार फिर से पूछ बताओ। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट भी चल रहा है मिरर भी चल रहा है बट इमेज रेस्ट पर? सर जब मिरर और ऑब्जेक्ट का दोनों का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी सेम और सेम डायरेक्शन में हो। नहीं देखो जरा ये मान लो ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड, अब बताओ आंसर। तो जीरो होगा अभी, जीरो होगा अभी, 2 × 2 − 4 जीरो, ये रेस्ट पर ये मेल नहीं चलेगी। तो जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर से डबल हो और परपेंडिकुलर तो ये रेस्ट पर होगी, होती है नहीं? हाँ सर। हाँ सर। एक भी समझ लो सर, एंगल कितना है? 37 डिग्री। सर जीरो आएगा क्या? हाँ सर जीरो आना चाहिए। नहीं देखो ऑब्जेक्ट इसके कंपोनेंट सर जीरो केवल एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट अलग होगा, 5 × 3/5 3j क्या पाएगा वो? देखो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा 5 cos 37 cos 37 होता है 4/5, 5 से 5 कैंसिल तो 4 आएगा। ये कंपोनेंट लेने की तुम्हें प्रैक्टिस है कि नहीं? ये पहले से
और ये आएगा 3 मीटर पर सेकंड। दोनों कंपोनेंट लेने में 5 cos 37 परम देगा। ये कंपोनेंट लेना आता है ना तुम्हें? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो तो ये इमेज हो सकता है एक्स में भी जा रही होगी vx और वाई में भी जा रही होगी vy। तो vx vy अलग अलग निकालना पड़ेगा इमेज की ना। तो x जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये vx, ये तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इससे निकालेंगे ना। तो यहाँ पे vx परपेंडिकुलर वाला, तो vx कितना आएगा? 2 into vm कितना है? 2 माइनस ऑब्जेक्ट x में कितना जा रहा है? 4। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की फॉर्मूला है। तो दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी रखना है यहाँ पे। यहाँ पे 5 भी लिखना है ठीक है। मिरर के रिस्पेक्ट में x में कितने से आ रहा है? 4 से। तो वहां पे 4 आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। परम आ गया समझ में? हाँ सर। 4 को रखा हमने यहाँ पे। मैंने उसके कंपोनेंट ले लिए। मुझे पता है दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा परपेंडिकुलर और एक होगा पैरेलल। तो ये अगर पैरेलल तो ये 3 है, तो ये भी 3 से ऊपर जा रही है। ये अगर ऑब्जेक्ट 3 से ऊपर जा रहा है, तो ये भी 3 से पैरेलल में तो कोई आगे से चेंज नहीं होगा। समझ में आया? हाँ सर। अब निकालना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 2 * 2 - 4 तो कितना आया? 3 होगा। तो इधर ही जा ही रहा है, ओनली ऊपर जा रहा है। तो आंसर आएगा इमेज ऊपर जा रही है कितने से? 3 से। आगे समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक और दो। हाँ सर एक मिनट। हाँ सर। मिरर 10 से इधर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है 2 से इधर जा रहा है, ये 53 डिग्री पे जा रहा है, 45 पे जा रहा है। इमेज की स्पीड बताओ। स्क्रीन ब्लर आ रही है, तो आप वैल्यूज एक बार बोल सकते हैं? हाँ, ये 10 रूट तो है, ये 45 डिग्री है, लेकिन हाँ ये 10 है और ये 53 डिग्री है। ओके सर, थैंक यू सर। 2i cap + 10j cap। देखते हैं। सर एक मिनट। हाँ।
क्या यही कंपोनेंट आएंगे दोनों के? ये कंपोनेंट आएंगे टेन रूट टू का कोस कट गया, फिर वन बाई रूट टू से रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो टेन और टेन दोनों आएंगे। इसका टेन कोस 53 सिक्स होता है, टेन साइन 53 एट होता है। तो अब ये ऑब्जेक्ट टेन से ऊपर जा रहा है, तो पक्का इमेज भी टेन से तो ऊपर जाएगी होगी। तो बी वाई तो टेन आ गया, ऑब्जेक्ट टेन से ऊपर जा रहा है, इमेज भी टेन पर पैरेलल तो सेम होता है। अब परपेंडिकुलर निकालना है एक्स में, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे टू टाइम्स ओ। अब मिरर एक्स में कितने से जा रहा है? सिक्स। तो टू इंटू सिक्स माइनस ऑब्जेक्ट एक्स में कितने से जा रहा है? टेन से। टेन तो कितना आया? टू मीटर पर सेकंड। सो ये आया टू मीटर पर सेकंड, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया 2yk प्लस 10j। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। क्लास क्लोज कर दूँ? हाँ सर।